हेलो, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल एग कड़ी। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, उसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च चुटकी। इसको गर्म होने के बाद हम इसमें एग डालेंगे। कुछ लोग होते हैं इसको प्रॉपरली फ्राई कर डीप फ्राई करते हैं, फ्राई मत करो, मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ, इसको अच्छे से ताकि इसमें येलो कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही भून लेंगे हल्दी हल्दी में। ये देखिए 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कितना प्यारा कलर आ गया इसको हल्दी में पकाने के बाद। ये देखिए, इसको डीप फ्राई मत करिए, उससे एग बिल्कुल चीड़ा सा हो जाता है, बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है इसकी स्किन ऊपर से, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। ये देखिए, अब हम इसी तेल में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब हम इसमें तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले पहले हम इसमें कड़ी कड़ी पत्ता डालेंगे। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल एक कड़ी बनेगी। और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 मिर्च डालिए मैंने। बारीक कटा प्याज, 2 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज के। इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें जीरे का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक अदरक और लहसुन का पेस्ट। गैस को थोड़ा सिम करेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे घी छोड़ने तक। हमारा मसाला भून चुका है, देखो लहसुन और अदरक ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा टीस्पून, आधे से भी कम हल्दी टीस्पून और गरम मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। नमक मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। ये 5 टमाटर है मीडियम साइज़ के, वो मैं इसमें डाल रही हूँ।
अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरा घी नहीं छोड़ देता। हमारा मसाला रेडी है। देखिए इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने एग छोड़ देंगे। जी देखिए मसाले में एग डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हो तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो। मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा इसमें पानी डाल दूँगी। अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे खा सकते हो। ये देखिए हमारे एग ढाबा स्टाइल एग बन के रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। बस 2 मिनट पकने देंगे इसको। इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारी ढाबा स्टाइल एग कड़ी बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।